हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक दिस इज एहसान अली असामदी एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर फाइव इंटीग्रेशन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट वन जिसमें हमने प्रीवियस मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री हमने किए टूडे विल स्टार्ट विद द लास्ट मॉड्यूल एंड दैट इज़ इंटीग्रेशन बाई पार्शल फ्रैक्शन सो स्टार्ट करते हैं सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे आज इंटीग्रेशन बाई मैथड ऑफ पार्शल फ्रैक्शन सो कितने टाइप के पार्शल फ्रैक्शन है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन सो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इफ एक्स एंड एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स देन एक्स अपॉन एक्स इज अ रैशनल फंक्शन वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो न्यूमरेटर में एक फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होगा और वो रैशनल फंक्शन होगा इफ जियेक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो अभी रैशनल फंक्शन क्या होते हैं वट डू मीन बाई रैशनल फंक्शन देख लेते इफ डिग्री ऑफ एफोफेक्स मतलब न्यूमरेटर

और इफ द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर रैशनल फंक्शन अगर प्रॉपर क्वेश्चन है क्वेश्चन इज ग्रेटर न्यूमरेटर हमारा लेस है कंपेयर न्यूमरेटर हमारा लेस है कंपेयर डिनोमिनेटर सो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और आज उस टाइप के सम्स हम स्टार्ट करेंगे So, अगर आपको रेशनल फंक्शन दिखे तो फर्दर उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है हम यहां पे देख लेते हैं पार्शियल फॉर्म कैसा होगा so, एक है Px Q, या फिर पी एक्स माइनस क्यू मतलब यहां जो न्यूमिनेटर का डिग्री वन होगा और डिनोमिनेटर का डिग्री टू होगा दैट इज एक्स माइनस है एक्स माइनस बी डिनोमिनेटर का डिग्री टू होगा और उसके फैक्टर्स पॉसिबल है फैक्टर्स कैसे निकालते वी हैव हैर्न इन अवर नाइन्थ स्टैंडर्ड टेंथ फैक्टर्स निकालेंगे हम और उसको प्रॉपर उसका पार्शियल फॉर्म होगा बी करेंगे अच्छे से समझ में आएगा सो अगर न्यूमिनेटर का डिग्री वन है एंड डिनोमिनेटर का डिग्री टू है और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पॉसिबल है तो उसका पार्शियल फॉर्म आएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिग्री टू है डिनोमिनेटर का डिग्री थ्री है, है तो उसके तीन फैक्टर्स पॉसिबल है अगर हम क्वेश्चन वन में देखेंगे सो यहाँ पे स्क्वायर नहीं था बोथ द वर डिफरेंट यहाँ पे हमारा फैक्टर सेम है डिनोमिनेटर में सो एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सेम है बस फर्स्ट वाले में हमारे जो डिनोमिनेटर में उसे फैक्टर सेम नहीं है डिनोमिनेट थर्ड वाले में डिनोमिनेटर का फैक्टर सेम है तो इसका पार्शियल फॉर्म कैसा होगा सो ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्टार्ट करते बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टार्टिंग के जहां पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस बी का फॉर्म है सो हम स्टार्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट एंड थर्ड याद रखना है कि अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी दिखा तो कैसे करना है एंड द थर्ड वन प्लस और माइनस अपॉन दी होल स्क्वायर दिखा तो उसको कैसे करना है स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट सिक्स नंबर वन इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू डी एक्स किसके जैसा है ये यस yes, हमारा फर्स्ट रैशनल फंक्शन के जैसा है मैं आपको बता देता हूँ सो इट इज सिमिलर टू दिस वन न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू है एंड डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स पॉसिबल है सो so, दो फैक्टर्स को उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है सो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी सो इट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन सो इट इज सिमिलर टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी डी एक्स और इसका पार्शियल फॉर्म हमें पता है ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी स्टार्ट करते हैं सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डी एक्स अब इसका हम पार्शियल फॉर्म लिखेंगे नाउ टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या होगा पार्शियल फॉर्म ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैसे सिंप्लीफाई करना है सो फर्स्ट सम अच्छे से ध्यान देना बाकी के थ्री सम्स एकदम सिमिलर है सो so, स्टार्ट करेंगे एलसीएम लेंगे सो so, एलसीएम कैसे लेते हैं सो फर्स्ट सम समय पूरा बेसिक समझा देता हूं विल विल गो विथ ए ए एक्स माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप हुआ है प्लस b x plus वन the whole upon x plus वन x minus टू ये LCM कहा जाता है हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा है बच्चों मेरा LHS वैसा ही है 2x एक्स प्लस वन अपॉन x plus 1 x एक्स माइनस सिंप्लीफाई करेंगे एल एच एस आर एच एस में अगर हम कंपेयर करें तो एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टू कैंसिल होगा एंड देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस वन हम क्या कर रहे हैं वॉट आर वी ट्राइंग टू डू वी आर ट्राइंग टू फाइंड फाइन वैल्यूज ऑफ ए एन बी एन बी का वैल्यूज फाइंड करेंगे पूरा सम हो जाने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको सो so, स्टार्ट करते हैं आप ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है अब ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सो so, आपको यहां देखना है यहां देखना है आपको ये और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है सो पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन अगर प्लस वन है तो माइनस वन पुट करो तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा और अगर आपको बी का वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स माइनस टू है तो प्लस टू सब्सटीट्यूट करो तो आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा सो so स्टार्ट करते हैं पुट पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड देर फोर एक्स के जगह पे माइनस वन सब्सिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन टू एज इट इज माइनस वन प्लस वन इक्वल टू ए माइनस वन माइनस टू प्लस बी माइनस वन प्लस वन फर्दर सिंप्लीफाई होगा यह हो जाएगा माइनस टू प्लस वन इक्वल टू ए Minus minus plus will become minus 3 plus b into and this becomes 0. Therefore, this will become minus 2 plus 1 is minus 1 equal to minus 3 a and b into 0 0. So wo eliminate over and therefore 1 equal to 3a and this can be written as a equal to 1 upon 3. का वैल्यू मिल गया अब हम बी so so का वैल्यू फाइंड करेंगे सो के क्या करेंगे? ये हमारा जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे जो डिनोमिनेटर कट होने के बाद आया हमारे पास सो so, सब्सिट्यूट करेंगे उसमें put x equal to 2 so 2 2 plus 1 equal to a 2 minus 2 plus b 2 plus 1 further simplify this will become 4 plus 1 equal to a 2 minus 2 is 0 plus b and 2 plus 1 is 3 so 5 equal to 0 plus 3 बी सो फाइव इक्वल टू थ्री बी देर फोर बी इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री देर फोर ए और बी का वैल्यूज हमें मिल गए एक बार ए और बी का वैल्यूज मिल गए सम हमारा फिनिश हो चुका है अब सब्सिट्यूट करेंगे हमारे क्वेश्चन में जो हमने कंसिडर किए थे यह था हमारा ये वाला पार्ट इस पार्ट में आप सब्सिट्यूट कर देंगे फोर so टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू कैन बी रिटर्न एज ए अपॉन एक्स प्लस वन और हमारा ए का वैल्यू क्या है वन अपॉन थ्री अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी बीज फाइव अपॉइंट थ्री अपॉन एक्स माइनस टू सो अब हमें ए और बी का वैल्यूज मिल गया है अब हम इसको क्वेश्चन में सबसे करते हैं, हमारा सम फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा सो देअर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू दिस कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन प्लस फाइव अपॉन थ्री एक्स माइनस टू डीएक्स फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एक्स प्लस वन डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 upon 3 multiplied by 1 upon x minus 2 dx. So, constant will come outside 1 upon 3 integration of 1 upon x plus 1 dx plus 5 upon 3 integration of 1 upon x minus 2 dx. What is integration of 1 upon x plus 1? अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या है का इंटीग्रेशन है मल्टीप्लाई करते हैं सो एक्स का यहाँ पे सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस फाइव अपॉइन थ्री लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सी विच फाइनल आंसर वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स एंड वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन ए। एंड वट इज एक्स का कोइफिशियंट है सो so, यहाँ x का कोई वन है सो वन अपॉइन वन नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं सो आई होप आपको सम समझ में आया है मैं आपको एक बार फिर से गोथ्रू करवा देता हूं फर्स्ट सम है फर्स्ट सम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बाकी सम्स बहुत ही सिंपल है स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस एक्स प्लस माइनस टू सो जितने भी सम्स है जिसमें द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर तो उसको आप पार्शल फ्रैक्शन से कर सकते हो सिर्फ जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स पॉसिबल होने चाहिए सो so, इसके फैक्टर्स है पहले से दिया हुआ है फैक्टर्स so, so, मेथड है हमने देखा प्रीवियस इट इसलस बी उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे लिखा है उसका पार्शियल फॉर्म लिखा मैंने ए अपॉन एक्स प्लस वन और बी अपॉन एक्स माइनस टू इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लिए हमने सो दिस बिकम्स बिकम एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस वन अपॉन और ये टर्म रेड्यूस बन गया अब उस इक्वेशन के थ्रू हमें A और बी का वैल्यू फाइंड करना है और वो फाइंड मिलेगा ए का वैल्यू तब मिलेगा जब बी को हम एलिमिनेट करेंगे बी का वैल्यू तब मिलेगा जब हम ए को एलिमिनेट करेंगे सो so ए को अगर बी को एलिमिनेट करना है तो एक्स के जगह पे माइनस वन सब्स्यूट करेंगे या फिर अगर आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों तो एक्स के जगह पे प्लस वन है तो माइनस वन पुट करेंगे तो ए मिलेगा और b फाइंड करना है तो x माइनस टू है तो प्लस टू सब्सिट्यूट करेंगे तो आपको इजीली b मिल जाएगा मैंने सॉल्व किया हमारा एलिजिब्रा है ये अपने तेन में किया है, सो आई गॉट दी बी और मेरे को ए और बी का मिल गया, मैंने मैंने उसमें कर दिया, अब ये मेन क्वेश्चन में सब्सिट्यूट किया अब हम रूल्स अप्लाई करके दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया

सो so स्टार्ट करेंगे प्रीवियस जैसा ही है सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर डी अभी आप बोलोगे प्रीवियस जैसा कैसे हो गया डिनोम में तो डिग्री वन है और डिनोमिनेटर में तो डिग्री थ्री है चलेगा हमारा मेन रैशनल फंक्शन होना चाहिए इसका मतलब है कि न्यूमरेटर का डिग्री लेस होना चाहिए कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और वो है न्यूमरेटर का डिग्री कम है कंपेयर टू डिग्री ऑफ सो कंटिन्यू करते हैं नाउ टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर उसको पार्शल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ए अपॉन बी अपॉन बट यहां पे तीन टर्म्स है सो सी अपॉन बी आएगा सो दिस विल बिकम ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस फोर अब क्या करेंगे यस yes, राइट, right, लेंगे। सो so, एलसीएम कैसे लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया प्रीवियस समय मैंने आपको बताया था फिर भी यहां मैं बता देता हूं A के डिनोमिनेटर में एक्स है मीन्स ए के डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस फोर नहीं है सो so ए के साथ हम एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस फोर लिखेंगे बी के डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है सो so अगर उसके पास कुछ नहीं है सो सोविल राइट एक्स एंड एक्स माइनस फोर लास्ट सी के डिनोमिनेटर में एक्स माइनस फोर है सोविल राइट एक्स एंड एक्स माइनस वन So, इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है थोड़ा सम सॉल्व करना आप इजीली आपको मिल जाएगा लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने किए थे स्टार्ट करते हैं सो टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस फोर प्लस सी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे प्रीवियस सम की तरह पूरा रेड्यूस हो जाता है एंड दिस विल बिकम टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर प्लस बी एक्स एक्स माइनस फोर प्लस सी एक्स माइनस वन अब स्टार्ट करेंगे क्या कर रहे हैं हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी सो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे मैंने प्रीवियस सम में बताया वापस आते हैं हम इस समय सो ए के डिनोमिनेटर में क्या है एक्स है तो उसके पास तो कोई नंबर है ही नहीं प्रीवियस केस में तो नंबर था यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ज़ीरो सो पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि कुछ भी नंबर नहीं है सो so कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ज़ीरो आप बोलोगे कैसे पता चला सो so एक्स लिखो या एक्स प्लस ज़ीरो लिखो सब एक ही है या एक्स माइनस ज़ीरो लिखो एक ही है सब सो एक्स की जगह पे ज़ीरो सबशूट कर दो तो आप सो so स्टार्ट करेंगे पुट एक्स इक्ल टू ज़ीरो सो टू जीरो प्लस वन इक्वल टू सॉल्व करेंगे ए जीरो माइनस वन जीरो माइनस फोर प्लस बी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्स के जगह पे जीरो सब्स्यूट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा लिख देते जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस फोर प्लस सी जीरो जीरो माइनस वन सो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन इक्वल टू ए माइनस वन माइनस फोर प्लस वेन एवर यू मल्टीप्लाई एनी टर्म विथ जीरो बिकम ये जीरो हो गया एंड दिस बिकम जीरो सो वन इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन है सो वन टू फोर फोर ए एंड माइनस माइनस प्लस एंड देर फोर ए इक्वल टू वन अपॉन फोर ए का वैल्यू मिल गया स्टार्ट करते बी पुट बी फाइंड करना है सो एक्स माइनस वन है प्लस वन सब्स्यूट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू वन सब्स्यूट करते इसमें टू वन प्लस वन इक्वल टू ए वन माइनस वन वन माइनस फोर प्लस बी वन इन 1 वन माइनस फोर प्लस सी वन इन वन माइनस वन सो पूरा मैं आपको सिंप्लीफाई करके नहीं बताऊंगा यहां मैंने बता दिया है डायरेक्टली करेंगे सो दिस बिकम्स टू प्लस वन थ्री इक्वल टू जीरो वन माइनस वन सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे थ्री इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे जीरो टर्म हट गया दिस ऑल्सो हट जाएगा ये हो जाएगा माइनस थ्री बी देर फोर बी इक्वल टू थ्री अपॉन माइनस थ्री फोर्ट बी का वैल्यू आ गया हमारा माइनस वन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट के लिए पुट एक्स इक्वल टू सी फाइन करना है सो माइनस फोर है सो प्लस फोर सब्सिट्यूट करेंगे बहुत ही सिंपल है मैंने आपको बताया है स्टार्ट करेंगे टू फोर प्लस वन इक्वल टू ए 4 minus 1 and 4 minus 4 plus b into 4 into 4 minus 4 plus c 4 into 4 minus 1. So, 4 2 is 8, 8 plus 1, 9 equal to if 4 minus 4, 0 yeah. So, I will not write that this term. फोर माइनस फोर जीरो हो गया जीरो से मल्टीप्लाई हो हट जाएंगे वो सारे टर्म्स एंड फाइनली आएगा सी मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री सो नाइन इक्वल टू ट्वेल्व सी सी इक्वल टू नाइन अपॉन ट्वेल्व अगर कट होता है कट करेंगे थ्री जी नाइन थ्री फोर जी ट्वेल्व सी इक्वल टू थ्री अपॉन फोर और फाइनली मुझे सारे वैल्यूज मिल चुके हैं अभी आगे का तो आप भी कर सकते हो वी, वीडियो को मत देखना खुद से सम करो कंप्लीट करो फिर जस्ट क्रॉस चेक करो डेर फोर कहा करेंगे ये हमारे इक्वेशन में टू एक्स प्लस वन अपॉइन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर ए ए का वैल्यू वन अपॉइंट फोर है सो वन अपॉइंट फोर एक्स प्लस बी हमारा माइनस वन है एक्स माइनस वन एंड सी इज अव थ्री अपॉइंट फोर एंड इट इज एक्स माइनस फोर सो आई होप क्लियर है कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करेंगे देर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सो इस क्वेश्चन के जगह पर हम ये सब्सिट्यूट कर देंगे पूरा टर्म वन अपॉइंट फोर एक्स Plus minus one upon x minus one plus three upon four upon x minus four dx. Start carrying a I equal to integration of first term one upon four multiplied by one upon x dx. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन था सो वन लिखो नहीं लिखो सो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डीएक्स लास्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री अपॉन फोर वन अपॉन एक्स माइनस फोर का डीएक्स सिंप्लीफाई करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स का डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन का डीएक्स एंड प्लस थ्री अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस फोर का डीएक्स इंड आई इक्वल टू वन अपॉइंट फोर Log X minus Log X minus one plus three upon four Log X minus four plus C, which is our final answer. So I hope some क्लियर है आपको और प्रीवियस सम की तरह ये फर्क इतना ही है कि डिनोमिनेटर में प्रीवियस केस में दो फैक्टर्स थे अभी तीन थे मेथड रिमेन्स द सेम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर फोर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स मैनस होल स्क् एक्स प्लस टू डी एक्स अब ये कौन सी एक्सरसाइज में से सम दिया हुआ है ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बिकॉज डिनोमिनेटर में फैक्टर्स पॉसिबल है और ये एक रैशनल फंक्शन है मतलब द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर स्टार्ट करेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू का डीएक्स अब उसको पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे नाउ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर एक्स प्लस टू इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन दॉल स्क्वेर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू नहीं समझा होगा कैसे आया बताया था मैंने स्टार्टिंग में सो so, डिनोमिनेटर अगर स्क्वायर में है हमने किए थे इट कोई टर्म सेम मतलब स्क्वायर के फॉर्म में है तो कैसे लिखते हैं हम उसका पार्शियल फॉर्म एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर होगा तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर और वही चीज मैंने की है सो एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर सो यस हमने किया है अब हम एलसीएम लेंगे एल सी कैसे लोगे आप अगेन थोड़ा डिफिकल्ट एलसीएम कैसे लेंगे ध्यान से देखना सो so, ए अब ए के साथ कौन से टर्म्स आएंगे आप बोलोगे ये पूरा टर्म यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो, एक्स माइनस वन स्क्वायर पूरा टर्म मल्टीप्लाई कर दो तो, पूरा टर्म मल्टीप्लाई नहीं करेंगे करोगे तो भी आएगा बट पूरा नहीं करेंगे क्यों कॉम्प्लेक्स करते दे हमारे गिवन क्वेश्चन को सो so, एलसीएम का मतलब है डिनोमिनेटर हमें सेम करना है सो so, यहां पे एक्स माइनस पहले से है So, मुझे सिर्फ और एक एक्स माइनस वन की जरूरत है अगर मैं अगर मुझे एलसीएम लेना है है का मतलब होता डिनोमिनेटर को सेम कर दो so, x-1 है बाजू में होल स्क्वायर है बस मुझे एक ही एक्स माइनस वन चाहिए सो आई विल ओनली सब्स्टिट्यूट एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा सो so, सेम हो जाएगा और यह पूरा टर्म आएगा एक्स प्लस टू प्लस बी अब बी अब बी के साथ कौन सा नंबर मिले ये नहीं ये नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वो टर्म तो पहले से है उसके पास विल ओनली मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू प्लस सी अब सी के पास एक्स प्लस टू है ये टर्म नहीं है सो एक्स माइनस वन द होल स्क् एल सी एम लिया इन शॉर्ट कैसे लिया हमने सो so, बहुत ही सिंपल है ए के साथ एक्स माइनस वन पहले से था हमें एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर करना था इसलिए ओनली एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो सेम हो गए मैं आपको फिर से एक बार पूरा में कर देता वो टर्म कैसे आए सो ए हमारे पास पहले से था उसके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन पहले से है सो हमें सिर्फ और एक एक्स माइनस वन करने से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा सो मल्टीप्लाईड बाई एक्स माइनस वन करेंगे तो यहां पे भी x माइनस वन हो गया और एक एक्सप्लस टू भी नहीं है सो मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू की और डिनोमिनेटर में भी x प्लस टू आ गया समझा ये समझासीएम है बढ़ेंगे आगे प्लस बी अब बी के पास एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर तो है ही अगर उसके पास कुछ नहीं है तो एक्स प्लस टू नहीं है खाली सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स प्लस टू की हमने और x माइनस वन द होल तो पहले से था प्लस c c के पास x प्लस टू पहले से है अगर कुछ नहीं है तो वो है x माइनस वन द होल स्क्स माइनस वन दी होल स्क्वायर किए अगर आप देखोगे तो आप तीनों के डिनोमिनेटर सेम है x प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर है ये है दो है एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर So, इस तरीके से हमने उसके डिनोमिनेटर को सेम किया है ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा था नाइन्थेंथ में सो so, उसको ही मैंने डायरेक्टली यहां पे लिखा है अगर आप देखोगे अलग अलग करके नहीं लिखा है फिर डिनोमिनेटर को पता ना एक ही बार लिखा जाता है फिर ये फर्दर ये रेड्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स माइनस वन द होल स्क्वेयर अंडरस्टूड नोट डाउन कर देना अब क्या करना है येस राइट ए बी सी का वैल्यू फाइन करना है स्टार्ट करते पुट एक्स इक्वल टू चलो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करते लेकिन यह केस में सबसे पहले ए का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे हम तो क्या फाइंड करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखो सो so, सबसे पहले हम बी फाइंड करेंगे क्यों सम फिनिश होने के बाद समझ में आएगा सबसे पहले बी को फाइंड करो फिर सी को फाइंड करो फिर ए को फाइंड करो सो so, जहां स्क्वायर टर्म होता है ना उसको सबसे पहले हम फाइंड करेंगे चलो कैसे फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर में देखेंगे x इक्वल टू माइनस वन है x इक्वल टू माइनस वन है प्लस वन सब्सटीट्यूट करेंगे सो so पुट x इक्वल टू वन सो वन इक्वल टू ए वन माइनस वन वन प्लस टू वन प्लस टू वन माइनस वन द होल स्क्वायर सो वन इक्वल टू हमारा ये एटम जीरो हो जाएगा वन माइनस वन जीरो जीरो मल्टीप्लाई बायथिंग जीरो खत्म हो गया डायरेक्टली लिखता हो बी एंड वन प्लस टू इज थ्री और ये टर्म भी हट गया हमारा वन माइनस वन अगेन जीरो स्क् लिख देता हूं आप लोगों के लिए बाई जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस बी मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस सी मल्टीप्लाई बाई जीरो स्क्वे वन इक्वल टू जीरो प्लस थ्री बी प्लस जीरो बी का वैल्यू आया हमारा वन अपॉन थ्री सो सबसे पहले बी निकालेंगे सम सॉल्व करते रहना आपको समझ में आ जाएगा स्लोली स्लोली सी सी फाइंड करेंगे टू ए माइनस टू पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू माइनस टू सब्सिट्यूट करते हैं हम हमारे इक्वेशन में माइनस टू इक्वल टू ए माइनस टू माइनस वन माइनस टू प्लस टू प्लस बी माइनस टू प्लस टू प्लस सी माइनस टू माइनस वन द होल स्क्वेर माइनस टू इक्वल टू So, यहां पे माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग जीरो सो डिरेक्टली लिखेंगे जीरो प्लस अगेन माइनस टू प्लस टू जीरो लास्ट वन सी माइनस माइनस प्लस सो माइनस थ्री द होल स्क्वेर सो माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री स्क्वेयर नाइन सी इंदर फोर सी इक्वल टू माइनस टू अपॉन नाइन अब लास्ट ए का वैल्यू फाइंड करते सो पुट एक्स इक्वल टू अब पुट एक्स इक्वल टू क्या करेंगे अगर आप देखोगे आप बोलोगे सर प्रीवियस सम में हम करते थे वैसा ही करेंगे सो पुट एक्स इक्वल टू वन करेंगे माइनस वन है तो प्लस वन करेंगे बिल्कुल सही सोचा बट नहीं करेंगे क्योंकि एक्स इक्वल टू वन हमने सब्स्यूट कर चुके हैं और वो सब्सिट्यूशन करने पे हमें बी मिल गया ए नहीं मिला क्यों ऐसा हुआ प्रीवियस सम्स अलग थे ये सम हल्का सा अलग है यहाँ पे स्क्वायर था इसके लिए इसीलिए हमने स्क्वायर वाला टर्म पहले किया फिर सी किए अब ए के लिए हम क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे आप कुछ भी सब्सिट्यूट करो आंसर आ जाएगा सो यू कैन टेक ज़ीरो वन टू थ्री बट आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे आपका इक्वेशन ज़ीरो ना हो जाए और आपको इजीली सिंप्लीफाई करने में आसानी हो अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो सब्सिट्यूट करता हूँ तो मेरा सम सॉल्व नहीं होगा बिकॉज मेरे एल एच एस में एक्स है अगर हम देखेंगे मेरे एल एच एस में एक्स है उस एक्स के जगह पर अगर मैं जीरो सब्सिड्यूट कर दू तो पॉसिबल ही नहीं है सम होगा ही नहीं वैल्यू मिलेगा ही नहीं फिर आप बोलोगे ठीक है सो so, कैसे लेंगे जीरो पहले जीरो लेंगे जीरो पॉसिबल नहीं है वन लेंगे बट वन तो ले चुके हैं तो माइनस वन लेंगे सो so, कैसे लेंगे जीरो लेंगे जीरो पॉसिबल नहीं है वन लेंगे नहीं वन पॉसिबल है माइनस वन लेंगे नहीं है टू लेंगे नहीं है माइनस टू लेंगे थ्री लेंगे माइनस थ्री लेंगे इस तरीके से यू विल चेक तो स्टार्ट करते मैं माइनस वन लेके सॉल्व करता हूँ। सो पुट इक्वल टू माइनस वन तो एक्स इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू हमारा ए एज इट इज माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस टू प्लस बी हम क्या फाइंड कर रहे वी आर ट्राइंग टू फाइन ए बी so, को हमको हटाना पड़ेगा एंड यस आई हैव द वैल्यू ऑफ बी इट इज वन अपॉन थ्री सो बी वन अपॉन थ्री एक्स हो गया माइनस वन प्लस टू प्लस सी सो सी का भी वैल्यू मिल चुका है सी का वैल्यू सब्सिट करेंगे सो so, हमारा सी का वैल्यू है माइनस टू अपॉन नाइन सो माइनस टू अपॉन नाइन एंड एक्स के जगह पे माइनस वन लेने वाले माइनस वन माइनस वन द होल स्क् करते फर्दर सो माइनस वन इक्वल टू ए हो गया ये हो गया माइनस टू ये हमारा हो गया वन प्लस वन अपॉन थ्री ये हो गया वन प्लस माइनस ठीक है इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं माइनस टू अपॉन नाइन माइनस माइनस प्लस माइनस टू द होल स्क्वायर सो माइनस वन इक्वल टू टू वनजार टू माइनस टू माइनस टू ए यह हो गया हमारा प्लस वन अपॉइंट थ्री ये हो जाएगा माइनस टू अपॉइंट नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू का स्क्वेयर हो जाएगा फोर सो माइनस वन इक्वल टू माइनस टू ए प्लस वन अपॉन थ्री दिस बिकम्स माइनस एट अपॉन नाइन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एल सी एम लेंगे सिखाया है एल सी एम सो माइनस वन इक्वल टू माइनस टू ए चलो यहाँ ले लेते पहले एल सी एम मल्टीप्लाई डिवाइड बाई थ्री करूंगा सो दिस बिकम्स थ्री अपॉन नाइन माइनस एट अपॉन नाइन सो माइनस वन इक्वल टू माइनस टू ए अब इसको सोल्व करेंगे सो दिस बिकम्स थ्री माइनस एट अपॉन नाइन So minus 1 equal to minus 2a 3 minus 8 minus 5 upon 9. Algebra. Hai. Further simplify a So this becomes minus 1 plus 5 upon 9. Transfer kiya. So minus 2a. So minus 9 plus 5 upon 9 equal to minus 2a. Minus plus minus. So minus 4 upon 9 equal to minus 2a. सिंप्लीफाई करेंगे सो so, माइनस हमारा रेड्यूस हो जाएगा एंड टू वन सा टू टू जार फोर हमारा ए का वैल्यू आ गया ए का वैल्यू आ गया टू अपॉइंट नाइन थोड़ा लेंदी था प्रैक्टिस करना आ जाएगा स्टूडेंट्स ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए और एक मेथड है मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को जो भी पसंद आया उसको फॉलो करना आप लोग सो so स्टार्ट करते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन के साथ सो so ये क्वेश्चन में हम सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे सब्सिट्यूट नहीं करोगे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते दिस इक्वेशन को सो so ये हमारा एक्स इक्वल टू विल ओपन दिस टर्म ए सो एक्स एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू बी ब्रैकेट ओपन हुआ बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी तो होल स्क्वायर अप्लाई किया हमने सो एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू ब्रैकेट ओपन हुआ प्लस बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वेर माइनस टू सी एक्स प्लस सी ओपन करेंगे ब्रैकेट्स एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स ए माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी आप लोग बोलोगे ये नहीं करना है वही बेटर है नहीं बट अच्छे से देखना अब हम कंपेयर करेंगे एल एच एस और आरएचएस को कंपेयर करेंगे कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ अगर हम देखें तो डिग्रीज को देखेंगे सिंप्लीफाई करता हूँ एल एच एस और आर एच एस को अगर मैं कंपेयर करूँ So, सबसे पहले एक्स इक्वल टू स्क्वायर वाले टर्म साथ में लिखता हूं सो ए एक्स स्क्वेर प्लस सी एक्स स्क्वेर फर्दर करेंगे फिर अगर हम देखेंगे एक्स वाले टर्म सो प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स ए प्लस बी एक्स माइनस टू सी एक्स सारे एक्स वाले टर्म लिख दिया अब कांस्टेंट वाले लिखता हूं प्लस माइनस टू ए प्लस सी प्लस टू बी 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 ए कॉमन लेते हैं यहां पे। सो एक्स इक्वल टू अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस सी हो जाएगा एक्स सारे एक्स वाले टर्म को कॉमन लेता हूं टू ए माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी हो गया टू बी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो एल एच एस कैन बी रिटर्न है जीरो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस जीरो इक्वल टू कैसे आया यस हमने टेंथ स्टैंडर्ड में सेकेंड चैप्टर कॉडेड इक्वेशन में हमने देखा है हाउ टू राइट अ कॉडेड इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्सर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो उसी फॉर्म में मैंने लिखा है जहां ए और सी नहीं था तो मैंने जीरो सब कर दिया है स्टार्ट करेंगे आगे ए प्लस सी दी होल स्क्वायर प्लस टू ए माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी का एक्स प्लस माइनस टू ए प्लस सी प्लस टू बी

माइनस टू ए प्लस सी प्लस टू बी इक्वल टू जीरो इस तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन एक आप यूज करो तो आपको A का वैल्यू मिल जाएगा कौन सा सबसे सिंपल है द फर्स्ट वन इज इज सिंपल उसमें करता हूं का वैल्यू सॉरी हमें एक का वैल्यू फाइंड करना है ये मेरा फर्स्ट मेथड है ये सेकंड मेथड है सो so ए का वैल्यू मिला नहीं है A का वैल्यू फाइंड करना है सो so सी का वैल्यू सब्स्यूट करते हैं ए माइनस टू अपॉइन नाइन इक्वल टू जीरो एंड देर फोर ए का वैल्यू मिल गया मुझे टू अपॉन नाइन और यस yes, दोनों आंसर सेम है सो so, ये एक मेथड है ये हमारा दूसरा मेथड है आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो लेकिन आपको ये पूरा सिंप्लीफाई करा सिंप्लीफाई करके बताने की जरूरत नहीं है आप इसको आप ये स्टेप बताओ एंड ये स्टेप बताओ ये स्टेप बताने की जरूरत नहीं है ये स्टेप बताने की जरूरत नहीं है दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि ये इक्वेशन आया कैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली इस इक्वेशन से आप मेकआउट कर सकते हो कि वो वैल्यू कैसे आया क्योंकि तो हर बार एक्सक्वायर के कोई फिशन के साथ कंपेयर करना है सो so यहां पर एक्सक्वायर किधर है ये रहा देखो इधर ही एक्सक्वायर है खाली ये रहा एक्सक्वायर एक इधर एक है देखो इधर नहीं है ये रहा डायरेक्टली लिख सकते हो देखो इसका कोई फिशन सी ए और इसका कोई फिशन जब भी अंदर जाएगा ना तो ए हो जाएगा सो ए प्लस सी इक्वल टू जीरो ए प्लस इक्वल सो ये बताने की जरूरत नहीं है ये भी नहीं करना है ये भी नहीं करना है ये सब आपको समझाने के लिए किया है मैंने सो so आप डायरेक्टली इसके बाद ये रहा आपका ए एक स्क्वायर और ये रहा सी एक्स स्क्वायर साइन में ध्यान देना सो डायरेक्टली आप ये स्टेप करके आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो सो अच्छे से नोट डाउन कर देना मैं ये रब करने वाला हूँ सो so, अब हमारे पास ए बी सी के वैल्यूज है अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा सम हो जाए स्टार्ट करता हूं सो दे अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन द होल एक्स प्लस टू इक्वल टू ए, ए है मेरा टू अपॉन नाइन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एंड बी बीस वन अपॉन थ्री अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क् सी इज माइनस टू अपॉन नाइन और एक्स प्लस टू सिंप्लीफाई करेंगे देर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इसके जगह पे हम लिख देंगे टू अपॉन नाइन इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन दाइनस टू अपॉइन नाइन मल्टीप्लाई बाय अपॉन एक्स प्लस टू दी डी एक्स सिंप्लीफाई करेंगे इट विल गो इनसाइड सो कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन का डी एक्स प्लस वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर है ये कैसे करेंगे स्क्वायर है वन अपॉन एक्स होना चाहिए या फिर वन अपॉइंट एक्स प्लस बी होना चाहिए ये तो स्क्वायर है देखते रहो न्यूमिनेटर में ले लेंगे सो एक्स माइनस वन रेज टू माइनस टू माइनस टू अपॉन नाइन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स सो दिस बिकम्स टू अपॉन नाइन लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अब ये कैसे करेंगे बाद में करते माइनस टू अपॉन नाइन लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी अब ये हमारा कौन सा फंक्शन है यह हमारा कौन सा फंक्शन है फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था अगर हमारा बेसिक फंक्शन x रेस टू n होगा तो हो जाएगा x रेस टू n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बट अगर हमारा फंक्शन होगा ए एक्स प्लस बी टू दावर एन तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू दावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन फिशेंट ऑफ एक्स एंड दैट इज ए याद आ रहा है देखो तो ये सेम है ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी है जहां ए का वैल्यू वन है और उसका पावर भी है सो so, सो so क्या हो जाएगा ए एक्स ए एक्स प्लस बी क्या है मेरा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन पावर एन प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन सो माइनस वन अपॉन माइनस वन अंडरस्टूड डायरेक्ट सम का फोटो मत ले लेना लेसन दी ऑडियो ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन है वन है वन वन अपॉन वन लिखो नहीं लिखो सो हटा देता हूं मैं दिस इज अवर फाइनल आंसर थोड़ा अच्छे से लिखते फोर आई इक्वल टू टू अपॉन नाइन लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर में थ्री इन टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस ऊपर ले लेता हूं ऐसे वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन रेस टू माइनस वन ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा एंड फाइनल माइनस टू अपॉइंट नाइन लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सीच इज अवर फाइनल आंसर कंटिन्यू करते लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स माइनस टू अपॉइन एक्स प्लस वन दी होल स्क्स प्लस थ्री डी एक्स कौन से मेथड से करेंगे हम ये सब बोर्ड में तो दिया नहीं जाएगी कौन सी एक्सरसाइज है यस इट इज फ्रॉम लास्ट एक्सरसाइज दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर में फैक्टर्स पॉसिबल है और ये एक रैशनल फंक्शन है कैसे पता चलता है रैशनल फंक्शन है When the degree of the numerator is less than the degree of the denominator, और ये सम मैंने आप लोगों के लिए करके रखा है बिकॉज प्रीवियस सम मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सिमिलर सम है इसके लिए मैंने करके रखा है मैं आपको उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूं तो स्टार्ट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर फैक्टर्स पॉसिबल है उसको स्टार्ट करेंगे सो so,

एलसीएम कैसे लेते मैंने प्रीवियस समय बहुत अच्छे से बताया था अच्छे से गुत्रु कर लेना उसको सो एक्सो डू माइनस वन सब कर दिया सोएड दी वैल्यू बी को टू माइनस फाइव अपॉइंट टू सी फाइन करने के लिए एक्सक्रडू माइनस थ्री सब शूट करेंगे टू एक्सो माइनस सी सब शूट दिया सो वैल्यू ऑफ सी टू माइस अब आगे बढ़ेंगे ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रीवियस समय मैंने दो मैथड बताए थे फिर मैंने एक मैथड रब कर दिया था और मैंने बोला था दोनों सेकंड मैथड फॉलो करना मैंने ये समय दोनों मैथड लिख के रखा है आप कोई भी थ्रू कर सकते हो जो आपको ईजी लगे वो स्टार्ट करेंगे बताया था एक्स इक्वल टू जीरो माइनस थ्री सो प्रीवियस समय एक्स इक्वल टू जीरो में सब्सूट नहीं कर पा रहा था बिकॉज लेफ्ट में ओनली एक्स था अगर उसके जगह पर जीरो डाल देंगे तो समय खत्म हो जाएगा सो so, केस yeah, में लेफ्ट हैंड साइड में खाली एक्स नहीं है मेरे पास एक कॉन्स्टेंट भी है दिख रहा है थ्री एक्स माइनस टू वी है सो so, एक्स के जगह पे मैं जीरो सब्स्यूट कर सकता हूं सो so, सबसे पहले मैंने एक्स इक्वल टू जीरो सब्सूट कर दिया एलजेबरा हमारा है मैंने पूरा एलसीएम लिया पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने करके दिया है बच्चों ये हमने नाइन टेन में बेसिक्स किया है कैसे इक्वेश को सिंप्लीफाई करते सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ एक्ट इलेवन अपॉन फोर अब जो हमारा सेकंड मेथड है इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट में वो बता देता हूं सो रेड में मैंने लिखा हुआ है सो so, उस इक्वेशन को मैंने ओपन किया है ये मेरा इक्वेशन है This is my इक्वेशन उसको मैंने ओपन किया है अगर आपको डायरेक्टली समझता है डायरेक्टली देख के तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो फर्दर सिंप्लीफाई हुआ और स्क्वायर वाले टर्म वही है देखो पहले भी वही था एक्स स्क्वायर ये रहा ए एक्स स्क्वायर और ये रहा सी एक्स स्क्र उसका कोईफिशन ए प्लस सी है और इस तरफ एक्सक्वायर वाला टर्म है ही नहीं सो इक्वल टू जीरो किया प्रीवियस सम को देखना मैंने अच्छे से बताया है सो ए प्लस सी इक्वल टू जीरो सो सब्स्ट्यूट कर दिया हमने सी का वैल्यू ये सी का वैल्यू माइनस इलेवन अपॉइंट फोर सो मेरा ए का वैल्यू इलेवन अपॉइंट फोर आ गया सम खत्म हो गया सब्स्टिट्यूट किए कॉन्स्टेंट को सब्सिट्यूट करने के बाद मेन इक्वेशन मेन क्वेश्चन में सब्सिट्यूट किया कॉन्स्टेंट को बाहर लिखे यस yes, ये न्यूमरेटर में जाएगा यस राइट प्रीवियस सम में बताया था मैंने उसको भी सिंप्लीफाई किए लॉग अप्लाई किया और मेरा सम हो गया सो so, वीडियो को अच्छे से देखना प्रैक्टिस भी करना सिर्फ देखना नहीं है बिकॉज मैथ्स से सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में